या डी डी वाई बोल दिया, तो इसका डी डी वाई करना है, इसका भी डी डी वाई करना है। इस वाले का तो जम गया, ये दो बार करना है। इस वाले का समझ में नहीं आ रहा, क्यों? फिर सीक्रेट पे जाओ, क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसलिए वाई किसका फंक्शन होता है, एक्स का, ये इससे पता चल गया। पर अपन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के, चलेगा नहीं। तो फिर क्या कर दिया अपन ने, डी एक्स कर दिया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, और इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर, ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई उधर शिफ्ट कर दिया, चेन रूल लगा दिया, और देखते ही देखते आपका आंसर आ गया। आप खुद करना ट्राई और मुझको लिख के देना, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हो, 9685698056। बिल्कुल चिंता नहीं करना दोस्तों, मैंने मैथमेटिक्स में पीएचडी किया हुआ है ना, ये मेरे लिए बाएं हाथ के खेल है, और आपको भी मैं उस्ताद बना दूंगा कैसा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि जब बेसिक क्लियर तो सब कुछ क्लियर, बेसिक क्लियर तो सब कुछ क्लियर, बेसिक क्लियर नहीं तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं। तो इसमें अपन ने क्या देखा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपॉर्टेंस देख लिया, चेन रूल देख लिया अपन ने, और थोड़ा अपन ने एक लेवल तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का भी टच कर लिया। तो ये अपने लिए क्या रहा, एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहा कि अपन ने इसको समझ लिया कि अपन ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे होता है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जेई के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है आपका, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6, ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, और इसका डिफरेंशिएशन के चार ऑब्जेक्टिव्स, वही चार ऑप्शंस। तो चार ऑप्शंस कैसे होंगे, तो चार ऑप्शंस अभी लिखूंगा, फिर टाइम लगेगा, फिर आप कहोगे कि बहुत टाइम खींच गया, तो अपन डायरेक्ट करते इसी क्वेश्चन को करते, देखिए कैसे शानदार तरीके से। लेकिन दोस्तों सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत बहुत ही मैंने रेयर क्वेश्चन है जिनमें अपने को एकदम दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलाना पड़ेगा। और याद रखना, चाचा चौधरी मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन समझो इसका क्या होता है, एक्स क्यूब की जगह रख देते साइन अल्फा, वाई क्यूब की जगह रख देते अपन साइन बीटा। इस क्वेश्चन को अलग अलग स्वरूप में पूछा जाता है, आपको यकीन नहीं होगा, मैं इसके बाद लिखूंगा इसके सारे स्वरूप, आप खुद ट्राई करना, आपको मजा नहीं आ जाए तो मुझको कहना। तो एक्स क्यूब की जगह साइन अल्फा या एक्स टू पावर 6 है, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब आपकी अग्नि परीक्षा, आपको वो भी तो याद हो ना, क्या साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सारे फॉर्मूले सी प्लस डी वाले, ये क्या हो जाएगा, चलो टाइम बचाते, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट गया तो क्या बन गया वो कॉस अल्फा, ये क्या बन गया कॉस बीटा, ये क्या बन गया, ये तो वही जो बचपन से है वही है। अब आप देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है अपने को, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इधर कितना आएगा ए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक। अब अपने पास कौन कौन से कैंसिल हो गए, उसको कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल, उसको नीचे भेज दो, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 क्या हो गया कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना ए। अब अपन ए कॉट को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ए। थोड़ा बहुत आपको इनवर्स के बारे में मालूम होगा, बहुत सामान्य बात है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना 2 कॉट इनवर्स ए, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लो, चलो कहां से निकालोगे देख के बताओ, अल्फा की वैल्यू ये साइन उधर गया साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन उधर गया साइन इनवर्स वाई क्यूब
इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है 2 cot इनवर्स a. अब अपने को क्या करना, ब्रह्मास्त्र छोड़ देना. ब्रह्मास्त्र छोड़ देना मतलब डिफरेंशिएट कर देना. तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते, आओ ब्रह्मास्त्र छोड़ देते, साइन इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, तो पहले साइन इनवर्स का तो लिख दूं. कभी मान लो किसी को साइन इनवर्स का नहीं आता तो साइन इनवर्स का देख ले. यहां से साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जो भी लिखा उसका स्क्वायर. तो यहां पे क्या लिखा है x क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर. फिर सवाल उठता है ना भाई, अंदर के अंदर का भी तो होगा, x क्यूब का भी तो होगा. x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर. साइन इनवर्स y क्यूब का कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y क्यूब का होल स्क्वायर. फिर y क्यूब का भी होगा 3y स्क्वायर. फिर y का भी तो होगा, क्या होगा y का, dy by dx. फिर इज इक्वल टू ये राइट साइड में क्या है 2 cot इनवर्स. cot इनवर्स का तो लिखा ही नहीं, तो इमोशनल होने की जरूरत भी नहीं है. ये कांस्टेंट है. कैसे पता चल जाता है कि कांस्टेंट है, जो चीज x में है जो चीज y में है वही वेरिएबल है, बाकी सब दुनिया मिथ्या झूठ. तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो. बस अब कुछ नहीं, अब आंसर देखो, ये उधर गया, इधर क्या रह गया 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 6. ये उधर चला गया 3y स्क्वायर अपॉन, अब ये इसको 3 से 3 को काट दो, बहुत मन कर रहा है अपना, तो इसको उधर भेज दो और y स्क्वायर को नीचे. तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 6. ये क्या आ गया dy बाय dx. तो ये इसका डिफरेंशिएशन था. अब क्या बता रहा था मैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे इस सवाल को अलग अलग नाना प्रकार से कैसे पूछते हैं. तो नाना प्रकार से ये फोर्थ था, इसको मैं नंबर दे देता हूं फोर्थ ए. अगर यहां पे उन्होंने एक्स स्क्वायर डाल दिया, यहां पे क्या डाल दिया वाई स्क्वायर, यहां क्या डाल दिया एक्स, यहां क्या डाल दिया वाई, तो अब अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जरा दोस्तों बुद्धि लगाओ. यहां पे एक्स की जगह साइन अल्फा, y की जगह क्या डालना पड़ेगा साइन बीटा. सब कुछ ऐसा कि ऐसा, बस खाली यहाँ पे चेंज, यहाँ पे साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और x का 1, तो ये नहीं रहेगा बराबर. माइनस साइन इनवर्स का कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा. फिर y का dy by dx, राइट साइड वैसे ही जीरो, तो फिर इसका वैल्यू आ जाएगा. तो आंसर में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका आंसर आ गया. अगर आपको मैं दूसरा वाला बताता हूं, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपसे, आपके पास इसका जवाब होगा, ये मेरा दावा है. अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे पावर 4 कर दी और यहाँ पे क्या लगा दी 6 लगा दी, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया क्यूब कर दिया, यहाँ ए की जगह 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, बी लिख दिया, साइन ए लिख दिया, लैम्डा लिख दिया, कुछ भी लिख दे, फिर क्या करोगे आप बोलो, एक्स स्क्वायर की जगह साइन अल्फा, वाई क्यूब की जगह क्या रखोगे, वाई क्यूब की जगह क्या रखोगे. वैसे ही यार दोस्तों कुछ करना ही नहीं है, वैसे कि वैसे करना और खुद भी कॉन्फिडेंस गेन करना. इसका आंसर लिख दूं क्या, मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप करना और उससे मिलाना, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा. एक तो रटा जाता बच्चों को, कोई लोड ही नहीं है. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 3y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y टू द पावर. मैं उसको देख देख के निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं ना, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ. ये मत सोचना कि सर कहाँ से लिख रहे हैं, सर उसको देख देख के लिख रहे हैं, आप भी उसको देख देख के दिमाग लगा लेना, ये इसका आंसर आएगा. आंसर आए नहीं तो गारंटी मेरी, आप मुझको लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना तो मैंने मोबाइल नंबर लिखा है जिस पर व्हाट्सअप कर सकते हो. मैं फिर लिख देता हूँ 9685698056. चैनल का नाम चैनल में लिखा ही है, तो दिमाग ही नहीं खर्च करना. ये एक था. अब इस फोर्थ के कनेक्शन में एक और बहुत बढ़िया शानदार सवाल है और आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है. अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं समझ गया, तो वो क्वेश्चन है 5. कैसा क्वेश्चन है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और अपन को निकालना डी वाई बाई डी एक्स. अब ऑब्जेक्टिव लिख दूं ना भाई, तब मन तो तभी भरेगा कि जब ऑब्जेक्टिव हो अपने पास. एक तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी उमदा सवाल है जेई का.
सारे सवाल ही वो करेंगे, टाइम पास का तो काम ही नहीं होना, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अब आपका साथ समय बहुत कीमती है। कोरोना ने आपको सिखा दिया कि सारे काम क्या करना है, अब अपने को जल्दी करना, और डी ऑप्शन है बिल्कुल उसके जैसा। क्या करना अपने को, एक्स की जगह क्या रखोगे, साइन अल्फा, वाई की जगह क्या रखोगे, साइन बीटा। घड़ी से चलते, घड़ी देख के, देखते घड़ी, घड़ी चालू, साइन अल्फा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस बीटा, कॉस अब यहां वाई की जगह साइन बीटा और यहां पे साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना, ए। समझ में आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन इनवर्स ए, अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू, मिनट नहीं पूरा हुआ समझाते हुए, जब आपको आ जाएगा तो आपका दिमाग तो पता नहीं कौन से आसमान में पहुंच जाएगा, आप हर सवाल चुटकियों में कर दोगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स वाई का, मिनट खत्म होते से ही, और डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसको उधर भेज दो, ये आ गई, और इसको ऊपर भेज दो, ये ऊपर भेज दी। अब आप देख लो कि कौन सी वैल्यू सही है, डी ऑप्शन सही है, डी को टिक कर दो और एंजॉय करो, और गारंटी कोई ट्रिक नहीं, दिमाग और क्वेश्चन की समझ, ये दो तरकीब अगर अपने पास आ गई तो अपन क्वेश्चंस को समझ के क्वेश्चन को जीत गए। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो, आपको बिल्कुल एकदम लॉजिकली कैसा बन रहा था, ये साइन जैसा होगा तो ये कॉस जैसा बन सकता है, ये कॉस जैसा है तो ये साइन जैसा बन सकता है, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का बन सकता है, अब इसमें वैल्यू बदल सकते हैं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दें, वाई स्क्वायर की जगह में क्या डाल देंगे, वाई टू द पावर फोर डाल दें, वाई टू द पावर फाइव डाल दें, ऐसा कुछ कर दें, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान सा हो गया। इसी के कनेक्शन में एक और मैं आपको बहुत धांसू सवाल बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप, मजा आ जाएगा आपको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx निकालना। ऑब्जेक्टिव लिखे उससे पहले आंसर, इस x को क्या लिख दो आप, इस x को लिख दो रूट एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया ये अपने पास, ऑब्जेक्टिव लिखे उससे पहले आंसर, x की जगह क्या रख दे अपन साइन अल्फा, और रूट एक्स की जगह क्या रख दे अपन साइन बीटा, तो ये क्या बन गया अपने पास साइन अल्फा कॉस बीटा, क्या बन गया ये साइन बीटा, और इधर रख दोगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, क्या बन गया साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू डालो, क्या अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, इसकी कितनी है साइन इनवर्स रूट एक्स, मिनट मिनट में आंसर, जादू बिल्कुल। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी भी लिखा हुआ है, देख के बता दो, नोट कर लेना, फॉर्मूले की तो लिस्ट भेज दूंगा आपको, इतना टाइम ही नहीं बर्बाद करना। साइन इनवर्स रूट एक्स का कितना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर, और यहां पे डी डी एक्स रूट एक्स का जो कि वन बाय टू रूट एक्स होता है। एंजॉय करो और मेरे को लिख के भेजना जरूर, कमेंट जरूर करना, घबराना नहीं, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल पेनी, ये करो वो करो कुछ भी मत करो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए कुछ भी मत मंगाओ, केवल दोस्तों के साथ शेयर करो, डिस्कस करो और आगे बढ़ो। मेरी इच्छा है कि भारत आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैंने ढेरों रिसर्च पेपर लिखे, पूरी दुनिया देख रखी है, और जगह जगह मैं प्रोजेक्ट फेलो रहा और तमाम मैंने काम किए हैं रिसर्च में, अभी भी मेरे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं। आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये आपका गेम चेंजर पीरियड है, आज जीत गए तो इसके बाद आगे ही आगे बढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट।